में विजयदशमी की आज धूम है और विजयदशमी पर गोरखपुर में शोभा यात्रा गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी करेंगे। इसकी अगुवाई और गुरु गोरखनाथ की पूजा के बाद होगी यात्रा शुरू और अल्पसंख्यक समाज के लोग करेंगे स्वागत। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर होगा भव्य स्वागत। दोपहर में गुरु गोरखनाथ का विशेष पूजन होगा। तिलकोत्सव में आशीर्वाद देंगे गोरक्ष पीठाधीश्वर। विजयदशमी पर लगेगी संतों की अदालत और दंडाधिकारी की भूमिका में गोरक्ष पीठाधीश्वर। तुरही नगाड़े बैंड बाजे के साथ निकलेगी यात्रा। मानसरोवर रामलीला मैदान में यात्रा का समापन होगा। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी करेंगे राज्याभिषेक और भगवान राम का पूजन राज्याभिषेक किया जाएगा। तो गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी। आज विशेष शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भगवान राम का तिलकोत्सव भी होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो गोरखनाथ मंदिर में निकलेगी शोभा यात्रा और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी करेंगे अगुवाई। तुरही नगाड़े बैंड बाजे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग विशेष स्वागत करेंगे और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भगवान राम का विशेष पूजन होगा। राज्याभिषेक किया जाएगा। गुरु गोरखनाथ की पूजा के बाद यात्रा निकाली जाएगी। और सीएम योगी ने भी विजयदशमी की सभी को बधाई दी है। सियावर रामचंद्र की जय। सत्य सदाचार की जीत का प्रतीक, सनातन मूल्यों की विजय का प्रतीक, सनातन समाज को विजयदशमी की बधाई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी गई है। ये संदेश भी दिया गया है इस बधाई के जरिए। उन्होंने लिखा है, सियावर रामचंद्र की जय। सत्य सदाचार की जीत का प्रतीक है, सनातन मूल्यों की विजय का प्रतीक, सनातन समाज को विजयदशमी की बधाई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष शाही इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, आज किस तरीके के कार्यक्रम रहने वाले हैं, कौन कौन यहां पहुंचेगा, क्या विशेष तैयारियां दिख रही हैं? आशीष, आवाज मिल रही है आपको? आशीष, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो गोरखपुर से हमारे सहयोगी हमें जानकारी देंगे कि वहां किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और क्या खास रहने वाला है आज के दिन में। बैंड बाजों की धुन पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा रामलीला मैदान में यात्रा का समापन होगा। तो गोरखनाथ मंदिर से ये शोभा यात्रा निकलेगी जो कि रामलीला मैदान पर जाकर इसका समापन होगा। तुरही नगाड़े बैंड बाजे के साथ ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गुरु गोरखनाथ की पूजा के बाद ये यात्रा की शुरुआत होगी। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। तो भीड़ काफी ज्यादा रहती है, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और आम से लेकर खास तक पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीएम योगी आज शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तो गोरखनाथ मंदिर से यह शोभा यात्रा निकलेगी जो कि अलग अलग इलाकों से होकर रामलीला मैदान तक जाएगी। वहां समापन होगा और पूजा के बाद इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। सीएम योगी इसकी अगुवाई करेंगे।